प्रॉब्लम जो है इस बाइक का, देखिए सेल्फ हॉर्न फॉर्न सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये जो हम सेल्फ का जो बटन है प्रेस करने से, देखिए कैसे कैसे कैट कर रहा है, देखिए सेल्फ इस गाड़ी का नहीं ले रहा है। मैं एक बात जानना ज़रूरी है, ये जो मीटर में आप देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज का एक सिग्नल आपको देखने वाला है, ये आपको आई रजिस्टर का सिग्नल है दोस्तों। TVS XL 100 में आपको देखने को मिलेगा वो बड़ा वाला एक, तो ठीक है, और इस बाइक में ए वाला दिया है, ए आई रजिस्टर, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये जल जाता है। और इसका एरर कोड को चेक करने के लिए हम लोगों का, जैसे TVS XL में दो ब्रेक प्रेस करने से और ये सेल्फ का बटन प्रेस करने से हम लोगों को यहाँ पे एरर बता देता है कौन सा एरर कोड, क्या एरर कोड। ऐसे सिंगल ऐसे 10 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करने से यहाँ पे आपको ये ब्लिंक करेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ब्लिंक कर रहा है, लेकिन देखिए अब हम प्रेस करके रखा है, आप देखिए 10 सेकंड बाद ये ब्लिंक करेगा। एरर कोड क्या बता रहा है देखिए, और जो एरर कोड दिखाता है दोस्तों, जो लॉन्ग ब्लिंक होता है वो 10 करके हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब हम लोगों का 32 एरर कोड दिखा रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ कमालुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाल ऑटो मोबाइल। दोस्त आज का जो वीडियो का टॉपिक है काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों वीडियो। ये देख पा रहे हैं मेरे पास TVS राइटर बाइक, इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है, इसका जो आईजी स्टार्टर है काम ठीक से नहीं कर रहा दोस्तों। कस्टमर कल रात में मेरे पास, बारिश का मौसम था, धक्का मार के मेरे पास लेके आया दोस्तों बाइक, ठीक है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम था तो छोड़ के चला गया, हम बोला सर सुबह आपको हम गाड़ी देख के देंगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इस राइडर बाइक में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैट कर रहा था दोस्तों, जो लिया है इस बाइक में एक प्रॉब्लम आ रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, रनिंग में गाड़ी वॉक हो जा रहा है, रनिंग में इसका बैटरी चार्ज हो जा रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहा है, ऐसे कुछ इस बाइक में प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चले दोस्तों आज इस बाइक का हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे सब वीडियो को मतलब सबको दिखाने वाला है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इस बाइक में दोस्तों, आइए इस बाइक में आपको सेल्फ मोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इस बाइक में कंपनी वालों ने आईजी स्टेटर इसमें दिया है, मतलब आपको दिखा रही यहाँ पे मोटर लगा रहता है, लेकिन इस बाइक में कोई मोटर नहीं है, सेल्फ का कोई मोटर नहीं है, मतलब अल्टरनेट करंट जनरेटर सिस्टम, मतलब इस बाइक में मैग्नेट से ही गाड़ी स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। आईजी स्टेटर इसमें दिया हुआ है। TVS वालों ने सुपर एक्सेल एक्सेल सुपर एक्सेल 100 एक्सेल 100 में और जुपिटर में आपको देखने को मिलेगा आईजी स्टेटर, ठीक है, सेल्फ मोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देखिए प्रॉब्लम जो है इस बाइक का, देखिए सेल्फ हॉर्न फॉर्न सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये जो हम सेल्फ का जो बटन है प्रेस करने से, देखिए कैसे कैसे कैट कर रहा है, देखिए सेल्फ इस गाड़ी का नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बने रहिए, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जरूरी है, ये जो मीटर में आप देख सकते हैं, ये जो त्रिभुज का एक सिग्नल आपको देखने वाला है, ये आपको आईजी स्टेटर का सिग्नल है दोस्तों। TVS XL 100 में आपको देखने को मिलेगा वो बड़ा वाला एक, तो ठीक है, और इस बाइक में ए वाला दिया है, ए आईजी स्टेटर, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये ब्लिंक करने लगता है, ब्लिंक नहीं करता है मतलब ये जल जाता है। और इसका एरर कोड को चेक करने के लिए हम लोगों का, जैसे TVS XL में दो ब्रेक प्रेस करने से और ये सेल्फ का बटन प्रेस करने से हम लोगों को यहाँ पे एरर बता देता है कौन सा एरर कोड, क्या एरर कोड दिखा रहा है इस बाइक में ए वाला। सिर्फ ऐसे सिंगल ऐसे 10 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करने से यहाँ पे आपको ये ब्लिंक करेगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ब्लिंक कर रहा है, देखिए अब हम प्रेस करके रखा है, आप देखिए 10 सेकंड बाद ये ब्लिंक करेगा। एरर कोड क्या बता रहा है देखते, और जो एरर कोड दिखाता है दोस्तों, जो लॉन्ग ब्लिंक होता है वो 10 करके हम लोग काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब तीन लॉन्ग ब्लिंक और दो शॉर्ट ब्लिंक दिखा रहा है, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4
5, मतलब हम लोगों का 32 एयरकोड दिखा रहा है, मतलब जो 3 लॉन्ग ब्लिंक दिखा था वो हम लोग 10 का, जो शॉर्ट ब्लिंक दिखा रहा है 2 बार वो हम लोग 1 करके पकड़ेंगे, ठीक है। यही पीडीएम में दिखाता है दोस्तों, तो पीडीएम में इसका 32 3 लॉन्ग ब्लिंक और 2 शॉर्ट ब्लिंक, मतलब 32 हम लोगों का एयरकोड दिखा रहा है। 32 एयरकोड में क्या दिखाता है दोस्तों, इसका जो शटर का जो वायर डिसकनेक्ट हो गया क्या ऐसे कुछ, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोगों का सीट ओपन करना पड़ेगा, पैनल ओपन करना पड़ेगा, इसका बैटरी हम लोग बोर्ड चेकअप करेंगे, क्या इस बारे में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले दोस्तों इस टाइप का अगर वीडियो पाना चाहता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो बनने रहिए, इसका जो सीट है हम लोग ओपन करेंगे, पैनल ओपन करेंगे, चलो फटाफट इसका सीट पैनल ओपन करो। ये वाला 10 नंबर का, यहाँ पे देखिए ये जो कपलर है ये DLDC कपलर है, यहाँ से हम लोगों का स्कैनर लगाने से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो स्कैनर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को मीटर में बता दिया तो एयरकोड कैसे चेक करते हैं वो आप लोगों को हम दे। तो सो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोगों का सब सीट हम लोग ओपन किया, इसका जो पैनल कवर है हम लोग सब ओपन किए हैं दोस्तों। अभी देख सकते हैं इसका जो पहले हम लोग बैटरी का वोल्टेज चेकअप करेंगे, ठीक है दोस्तों। 12.552 ऐसे कुछ हम लोगों का बैटरी में वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका बैटरी एकदम लोगों का बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों एक देखिए यहाँ पे समस्या कहाँ पे हुआ आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, देखिए ठीक से गाड़ी को बाइक को ठीक से मेंटेनेंस नहीं किया, मतलब सर्विसिंग ठीक से नहीं, प्रॉपर सर्विसिंग नहीं किया, इसके कारण देखिए चेन बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था। ढीला होकरने के कारण से देखिए यहाँ पे चेन रास्ता में गिर गया। इसका जो देखिए इसका जो IG स्टेटर है, जो वायर यहाँ से गया है, जितना जो यहाँ से जो वायर गया है ये वायर में यहाँ पर मर दिया, ठीक है। हमको तो लगता है इसका वायर डिस्कनेक्ट हो गया, और कंपनी रिक्वायरमेंट जो बताता है 32 का जो PDI कोड पर दिखाता है वायर डिस्कनेक्ट, तो सेम वही हम लोगों का मीटर भी वैसे सिग्नल दिखा रहा है दोस्तों। तो इसका जो वायर है हम लोगों का लगता है यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट हो गया, इसके कारण यही प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों का गाड़ी। बैटरी तो वोल्टेज भी ठीक है हम लोगों का एकदम बफर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बना रही है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला दोस्तों वीडियो, ठीक है। चेन को हम लोग अच्छा से वॉशिंग करके इसको चेन का हम ये करेंगे, और इसका जो वायर है इसको भी हम लोग अच्छा से खोल के देखेंगे यहाँ से और कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों वीडियो बना रही है, चलो फटाफट इसका चेन को निकालो। तो सो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो चेन गिरने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जम गया था, मतलब एकदम यहाँ पे अटक के ये वाला जो मैग्नेट का जो तो प्लेट है ये वाला टूट गया, देख सकते हैं हाथ में टूट के मेरा हाथ में चला रहा था, ठीक है। और देखिए यहाँ से वायर को पंच किया है, तो सो गाइस फाइनली देख सकते हैं इसका जो हम लोग मैग्नेट इसको ओपन किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखेंगे इसका जो वायर कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं फाइनली हम लोग इसका वायर को हम लोग पूरा मैग्नेट को ओपन करेंगे, ओपन करके इसका जो पूरा वायर है हम लोग मल्टीमीटर से चेकअप करेंगे कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ देखना पड़ेगा, इसके वजह से हम लोग उसको काम नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब इसका जो IG स्टेटर है ये वाला काम नहीं कर रहा। तो सो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली इसका वायर को हम लोग अच्छे से ओपन कर लिया, ओपन करके जो अच्छे से इस मल्टीमीटर से हम लोग चेकअप कर लिया, ठीक है, और चेकअप करेंगे ये जो देख सकते हैं ये जो टेप अच्छे से यहाँ पे हम लोग कर दिया, और भी अच्छे से टेपिंग करेंगे इसको, ठीक है।
अभी वायर को हम लोग चेकअप करते हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, देखो ये वाइट वाला है, मल्टीमीटर को हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये वाला वाइट वाला, ये वाला आया है, देखिए अभी ये वाइट वाला भी हम लोग, ये वायर ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था, वो सबको अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला भी ठीक है। चलिए फटाफट अभी इस अच्छे से यहाँ पे टेपिंग भी कर लेते हैं, टेपिंग करके इसको गाड़ी में ऐड करते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे थोड़ा रेजिबोन थोड़ा यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोबिल भी लीकेज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हल्का सा रेजिबोन को उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो गाइस अभी देख सकते हैं फाइनली हम लोग अभी एज इट स्टेटर मैग्नेट को हम लोग ओपन किए थे और अच्छे से वायर को हम लोग टेपिंग कर दिया और अभी अभी बाइक में ऐड करेंगे और हल्का थोड़ा रेजिबोन को हम लोग उपयोग किए। ठीक है, ताकि मोबिल का लीकेज ना हो। ठीक है दोस्तों, सारे नाट को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो सपोर्ट का जरूरत बहुत जरूरत है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट का जरूरत सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन तरफ प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि पॉलिटिक्स ऐसे हेल्पफुल टेक्नोलॉजी वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, दोस्तों अगर आप बाइक राइडर देख रहे हैं कि और मैकेनिक भाई वीडियो देख रहे हैं तो गाड़ी को जरूर थोड़ा चेन को थोड़ा फॉलो करना, चेन लूज होने से क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चेन इसे गिरने से इसका मैग्नेट को ओवर कर देखो टूट दिया है इसे। ठीक है, और इस वायर को डैमेज किया है। ठीक है, तो चेन को आप लोग जरूर ठीक से आप ढीला है कि नहीं थोड़ा चेक कर लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा। चेन ओपन चेन हो दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे कचरा वगैरह जम जाता है जिसके कारण चेन में आवाज़ भी आया था, तो इसको थोड़ा मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों। ओपन चेन को चेन लूक या गियर वेल आप यूज कर सकते हो दोस्तों। ये वायर डिस्कनेक्ट हो गया था सब, इसको हम लोग अभी ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों वीडियो बने रहिए, अभी इस फाइनली इसको वायर फायर को सब हम लोग, तो सो गाइस फाइनली हम लोग अभी इस मैग्नेट कवर को एज इट इज को हम लोग ऐड कर दिया बाइक में। अभी देख सकते हैं इसका जो, अब देखें यहाँ से वो सिग्नल भी हम लोगों को चला गया देख सकते हैं। अभी हम लोग बाइक में ऐड, देखिए यहाँ पे थ्री बुज का एक तो सिग्नल दे रहा था, अभी देखिए यहाँ चला गया। ठीक है, अभी हम लोग बाइक को स्टार्ट करने वाला। ठीक है, बाइक हम लोगों का एक सेल पे हम लोगों का गाड़ी स्टार्ट हो गया। और देखें यहाँ पे माई फंक्शन लाइट और जो थ्री बुज का जो लाइट है वो भी चला गया दोस्तों, देख सकते हैं। तो बिल्कुल फाइनली हम लोगों का बाइक हम लोगों का एकदम फर्स्ट क्लास हो गया आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी अभी इस बाइक में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इस चेन को हम लोग हल्का सा लुब्रिकेंट करके इस बाइक में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और मेरे चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे हेल्पफुल टेक्नोलॉजी वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कोई नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।